का हानिया हम लाए हैं आपके लिए एक सुंदर सा कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहानी आपके लिए हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हर कहानी में प्रेरणा स्पर्शी बातें लेके हम आपके सामने आते हैं। आज भी कुछ इस प्रकार सी कहानी है। जीवन में जीने की कुशलता, मन में सादगी भरी विचार, शक्तियां भरी संकल्प, ऐसे कई बातें हमें कहानी में सीखने को मिलता है। जो कहानी दूसरे से कैसे व्यवहार करें, जीवन में जीने का मर्म, तो लीजिए आज भी हमारा कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत पहले की बात है, एक शहर में संतोष मिश्रा जी करके रहते थे। जब वो बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई। शादी भी उस महिला से हुई जो बहुत ही धर्मात्मा थी। तो शादी में खुशहाल जीवन एक साल पूर्ण होने के बाद लगभग दूसरे साल में उनका एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा अपने पति से, अजी सुनते हो, मैं अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाऊंगी और मैं सोच रही हूं कि गुरुकुल में शिक्षा पाने के बाद हमारा बच्चा धर्म ज्ञाता पंडित योगी बन जाएगा और मैं ही चाहती हूं। तो संतोष मिश्रा जी ने कहा अपनी पत्नी से, पांडित्य पूर्ण योगी बनाकर इसे भूखा मरना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बने। तो पत्नी ने अपने पति के सामने टिक नहीं पाई और उन्होंने उनकी जिद्दी काम नहीं चली और पति की बात रहा, पढ़ाई शुरू हो गई। फिर कुछ साल गुजरने के बाद संतोष जी के और एक बच्चा हुआ। वास्तव में देखा जाए संतोष जी सरकारी नौकरी बैंक में काम करते थे, तो उनका यही संकल्प था कि मेरे हर बच्चा एक अफिसर बने। तो पत्नी तो धार्मिक थी ही, तो दूसरा बच्चा जैसे हुआ तो उन्होंने फिर से अपने संकल्प अपने पति को कहा कि देखिए, इस बार मेरी बात मान लीजिए कि इस बच्चा को मैं पंडित बनाना चाहता हूँ, पूर्ण योगी बनाना चाहता हूँ ताकि दुनिया में धर्म कर्म की बातें करें। तो इस बार भी पंडित जी नहीं माने, उनकी बात रही। फिर कुछ साल के बाद तीसरा लड़का हुआ। पत्नी ने फिर जिद्दी की, लेकिन संतोष जी तो एक ही सुनने वाले नहीं, एक ही रट लगाते रहे, मैं अफसर बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं कलेक्टर बनाऊंगा, क्या क्या बनाऊंगा। फिर भी पत्नी हार गई। तीसरा लड़का हर बार यही कहते थे, कहां से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा। अरे तुम मेरी मान, इसको यही अफसर बनाते हैं, ये पंडित धर्म कर्म में कुछ काम नहीं आता है। फिर चौथा लड़का हुआ कुछ साल बीतने के बाद। इस बार पत्नी की जिद्दी के आगे संतोष जी हार गए, अतः उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए वहीं भेज दिया सबसे छोटा लड़का को। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमा। कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। अब वो दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों की मजबूती पर खड़े हो गए। सचमुच तीनों लड़कों ने इतनी मेहनत की कि सरकारी नौकरियां उनको हासिल कर ली। पहला डॉक्टर बना बड़े अच्छे पद पर, दूसरा बैंक मैनेजर वो भी अच्छे, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने लगा। तो तीनों बड़े अच्छे तरीके से पैसा कमाने लगे। इस पर पापा को बड़ा गर्व हुआ संतोष जी को। संतोष मिश्रा जी बड़े गर्व से कहते थे, मेरे लड़कों को देखो कितनी मेहनत करके सफल पाई। लेकिन जब भी अपनी पत्नी से मिलते थे, ये बातें करते थे, तो वे यही कहते थे, अरे भाग्यवान, देखा मेरे तीनों होनहार बेटे सरकारी पदों पे हो गए ना, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं,
तीनों की जिंदगी देखो सेट हो गई, कोई चिंता ही नहीं, अब तीनों बेटों को पूरा सुख से जी रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है, मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन करवा रहा है। जितना वो 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा एक बेटा 1 महीने में कमा लेता है। अरे भाग्यवान, तुमने अगर उस दिन जिद्दी नहीं की होती, अगर तेरी मर्जी नहीं होती, इतनी बड़ी गलती तू नहीं करती, तो आज वो भी एक अफसर होता। मुझे तो लगता है तुम्हें आज भी इस बात का पश्चाताप होगा, मुझे मालूम है, तुम भले बोलती नहीं है। तो पत्नी चुपचाप सुनती रही सुनती रही सुनती रही। फिर पत्नी का धैर्य इतने बार बार सुनने के बाद टूटा। अब उन्होंने कहा अपने संतोष मिश्रा जी को, अपनी पत्नी को, देखो हम में से कोई एक गलत है, या तो मैं या तो आप, और आज हम उसका फैसला करेंगे। तो संतोष मिश्रा जी, क्या फैसला करोगे, चलो कर लो, ठीक है। तो उन्होंने कहा आज दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, चलो अब हम दोनों मिलके एक परीक्षा लेते हैं चारों की। बोला ठीक है। संतोष मिश्रा जी तैयार हो गए, कौन गलत है कौन सही है पता चल जाएगा, बड़ी तैयारी कर ली उन्होंने। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने बोला, आप छुप के घर में रहना, मैं जो करता हूं आप देख लेना, सुनना श्री, फिर डिसीजन लेना कौन सही कौन गलत। पत्नी ने अपनी बाल को बिखरा दिया, साड़ी के पल्लू को फाड़कर अपने चेहरे पर एक दो नाखून का निशाना मारकर आंगन में बैठ गई। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ है, और पतिदेव को अंदर कमरे में छिपा दिया, वहां छिपाया जहां सब कुछ देख सकती है दृश्य। तभी बड़ा बेटा आया, और आते ही मम्मी का ये हालत देख के उसको बड़ा अजीब लगा और पूछा, मम्मी क्या हुआ। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मुझे मारा है, रो रो के बोला। तो पहला बेटा, बड़ा बेटा आते ही अपने मुंह से ऐसे शब्द लगा, बूढ़ा सठिया गया है क्या, कहाँ है, बुलाओ तो जरा, मैं देखता हूं। तो माँ ने कहा, नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। तो बेटा बोलता है, आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमरे में हूं, मेरा खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है। और बेटा जाके अपने आप खाना खाने लगा, मम्मी ने खाना दिला दी। फिर आंगना में आके माँ बैठ गई, बेटा जाके सो गया। दूसरा बेटा आया, थोड़ी देर में आया, पूछा, मम्मी ये क्या हो गया आपको। तो माँ वही जवाब दिया, तेरे पापा ने मुझे ऐसे किया है, मारा है। दूसरा बेटा ऐसे शब्द बोले, उनका दिमाग खराब हो गया क्या बुढ़ापे में, उनसे कहना चुपचाप अपनी बची खुची गुजार लें, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और मैं जाता हूं, मुझे भूख लगी है, मैं भी खाना खाता हूं, मैं अभी खाना खा रहा हूं, और आए तो मुझे बुला लेना, देखता हूं मैं उनको आज। फिर खाना खाते खाते उसके बाद वो भी कहा, मम्मी मुझे नींद आ रही है, पापा आए तो बुला देना, मैं सोने जा रहा हूं। अब सुबह में देखता हूं उनकी क्या हालत है। ये कहकर वो जब अपने कमरे में चला गया, तीसरा बेटा आया तो उसने भी पूछा, मम्मी ने वही आंसर दिया कि तेरे पापा ने मुझे मारा है। ये तो और ही आग बबूला हो गया, इतना क्रोध में आ गया, बोलने लगा, ये तो सारी हद पार कर दी, इस बुढ़ापे में अपनी औलाद के हाथ जूते खाने का चाहता है क्या, इसने तो मर्यादा की सारी हद पार कर दिया। ऐसे ऐसे शब्द बोला जो माँ भी नहीं सुन सकती है। लेकिन ये तीनों की घटनाएं, जो दृश्य चल रहा था नाटक, ये सब देख रहा था अपना पापा मिश्रा जी, संतोष जी, और देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। संतोष जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें एक एक सुन रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। आंखों से अपने आप अश्रु धारा बहते जा रहे थे। किस तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके मैंने पाला पोसा,
बिना खाए रात दिन जगे इनके लिए मैंने सब कुछ किया, इतना बड़ा आदमी बनाया, जिसकी तमाम गलतियां मैंने माफ की, नजर अंदाज करके इनको आगे बढ़ाया, कभी इनकी बीमारी, कभी इनकी शिकायत, कभी इनकी मन की चाहना, सारा मैंने हर तरीके से पूरी की। अब तो ये शब्द सुन के मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतने में ही चौथा बेटा आ गया, हरिओम 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 करते हुए घर में घुसा। जैसे ही घुसा और अंदर देखा, मम्मी का ये हालत, माँ का इस हाल देख के उसने भागते हुए आया और माँ को गले लगा के पूछा, माँ ये क्या हो गया? तो माँ ने अब कुछ और ही एक्टिंग करने शुरू कर दी, गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बुरा भला कहा और रड़िया लगाने लगी। तो चौथे बेटे ने कहा, माँ के हाथ पकड़कर समझाया, माँ आप पिताजी के प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे हैं, अगर पिताजी ना होते, आपको कुछ कह दिया तो क्या होता आपका? मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा, वो आपसे हमेशा प्रेम करके बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, प्रेम करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, जिन्होंने इतनी सारी खुशियाँ दी जिंदगी भर, आज नाराजगी से पेश आए तो क्या हुआ माँ? हो सकता है उनको कोई तकलीफ होगा, किसी से लड़ाई होगी, कोई बात से उनकी चिंता बढ़ गई होगी, आज उनको कोई प्रॉब्लम है जरूर जो आपके साथ ऐसे बिहेव किए हैं, आपसे कहीं गलती हुई होगी माँ, पापा ऐसे नहीं हो सकते हैं। अरे माँ पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं आपको पता है, याद है ना आपको 6 साल पहले की बात है, जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी, वही भजन बनाते थे आपको, अपने हाथों से खिलाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे, तब आपने फोन करके मुझे सूचना दी थी और बड़े प्यार से प्रेम के आंसू से आप रो रो के मुझे बता रही थी कि संसार की सबसे भाग्यशाली औरत मैं हूं, तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल करते हैं। इतना सुनते ही बेटे को गले लगाकर फपक फपक कर रोने लगी मां। संतोष जी की आंखों में आंसू निकल पड़े, तब वो बाहर निकल के सामने आके खड़े थे। तब पत्नी ने पूछा, अब बताइए क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर? पत्नी ने बड़े संतोष से पूछा, संतोष की भाव से संतोष जी से पूछा। संतोष जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। संतोष जी की धर्म पत्नी ने कहा, ये शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं दी जाती है, माँ बाप से कैसे पेश आना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, ये तो गुरुकुल में ही सिखा जा सकता है। वेद गीता रामायण ग्रंथ जहाँ पढ़ाए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, संस्कारवान व्यक्ति ही ऐसे बर्ताव कर सकता है और कुसंस्कार वाले देख लो आप। अब संतोष जी को एहसास हो गया था, जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां दिलाई वो सब जाली निकले, असल में ज्ञानी तो वो सब बच्चे हैं जिन्होंने जमीन पर बैठकर पढ़ा है, मैं कितना बड़ा ना समझता, संतोष जी अपने आप को कोस रहे थे। फिर दिल से एक आवाज निकलती थी, काश मैंने इन चारों बेटों को गुरुकुल में ही शिक्षा दे ही होती। कहने की बात, ये कहानी हमें यही सिखाता है, ज्ञान हो, किसी भी प्रकार के ज्ञान हो, उसमें जरा भी अहंकार नहीं आना चाहिए। जब हमें किसी भी प्रकार की अहंकार आ जाता है तो सबसे पहले हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं और संस्कार बिगड़ने से हमें बद्दुआएं मिलती हैं जिससे हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार की सजाएं मिलती हैं। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को सदुपयोग करना, शिष्टाचार सब व्यवहार सीखना ये बहुत जरूरी है। जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने कर्म नहीं दिया, कर्म तो मुझे करना है और वो कर्म मैं करूं जो दूसरों को सुख मिले, आनंद मिले, सत्य सुख प्रतीत हो, पावनता की धाम की ओर चले, जीवन एक निरा कारमय हो जिसमें कोई दाग ना हो, ऐसा सदव्यवहार के ज्ञान अगर अपने जीवन में है तो संसार में सबसे सुखी मानव है। सिर्फ धन इकट्ठा करने में
या प्रतिष्ठा इकट्ठा करने में, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए सादगी और सुखमय, मन में सदा सभी के लिए। कोई कुछ करता है वो अपना कर्म है, लेकिन मैं अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाऊं, क्योंकि इस धरती पर जिसने मुझे भेजा है परमपिता परमात्मा डायरेक्टर निर्देशक, मैं उनकी कही हुई बातों को यहां फॉलो करता हूं। क्या वैसे ही मैं एक्ट कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं? तो वो कर्म ये है कि सबके साथ सद्व्यवहार से पेश आए, पिछली बातों को अगली बातों को, जीवन में हर एक की एहसान माने, सबको धन्यवाद दे, थैंक्स करें। जिस धरती पर हम कदम रखते हैं उस धरती ने हमें क्या दिया है, खाने को अन्न दिया है, पीने को जल दिया है, चलने के लिए अपने कदमों की भारी को संभाला है, प्रकृति हवाएं दी है, इन सब का थैंक्स करें। आकाश को देखें, सितारे, चांद, सूर्य, जिनकी प्रकाश से हम जी रहे हैं, सुख शांति मिल रहा है, आनंद भोग रहे हैं, हर पशु पंछी की आवाज और साधन जो हमारे जीवन को चला रहा है, इन सब को पल पल हम ध्यान दें, साथ में प्रकृति और ये संस्कार, बस हम किसी को दुख ना दें हमारी बुराई संस्कारों से, नहीं तो जीवन पापमय बन जाता है। और अगर पुण्यमय बनाना है, स्वर्गमय बनाना है, तो सबके साथ अच्छे व्यवहार करें, सदाचार बने और सद्गुणधारी बने, तो जीवन एक सुंदर सुखमय बन जाएगा। इसी के साथ मुझे एक सुंदर सा गाना याद आता है। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को करते अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।